सो यो व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के इस व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं लोनावाला। सो एकदम दोपहर को प्लान बना एंड अभी शाम को 6 बजे वरुण घाट को पर आ रहे हैं। तो मेरी फैमिली और वरुण की फैमिली और मेरा वरुण ऑब्वियसली, हम लोग जा रहे हैं लोनावाला। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग रात तक वापस आ जाएंगे, पर अभी हम लोग निकल इतना लेट रहे हैं तो टाइमिंग पे है हम लोग कितने बजे वहाँ पे पहुँचते। अगर बहुत लेट हो गया, बहुत बहुत लेट हो गया तो वी माइट स्टे एंड आज है संडे, तो कल मंडे है, बट कल 22 जनवरी भी है तो शायद से सबको छुट्टी है, शायद से क्या सबको छुट्टी है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट लेट्स सी। तो वरुण आ गया, किम जो भाई? ओ भाई, अच्छा अच्छा भाई, मस्त मस्त। तो हम लोग बस निकल गए, अभी इधर से 2 घंटा दिखा रहा है। आरती अटेंड की जस्ट एंड यहाँ पे क्या वाइब है भाई, कल 22 जैन है तो इधर का वाइब अलग ही है ब्रो, मजा आ रहा है। मंदिर अंदर से निकले ही ना तो हम सब तो यहीं पे बैठ गए एंड मंदिर में रहने के बाद थोड़ी देर बैठना होता है, ऐसा होता ही है, तो हम लोग बस बैठे हैं एंड बाकी वरुण मजा आई ना अभी बहुत बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत मैजिकल आरती था, मैजिकल बहुत ज्यादा। मैं मतलब आरती माता जी की आंखों से मैं अपनी आंख से हटा ही नहीं पा रहा था, इतना मतलब प्रेशियस, अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे आई कनेक्ट। तो हम सब ने लिया है प्रसाद, वरुण तो हम लोग ने इधर नारायणी धाम के बाहर खेल रहे बैडमिंटन। तो पहले मैंने और वरुण ने बहुत सारी मैचेस की, उसमें मैं जीता कई सारों में सब मैं ही जीता हूँ, ए झूठे। फिर वरुण और उसके पापा और मैंने खेला, उसमें भी मैं जीत गया। और अभी मेरे पापा और मैं वर्सेस वरुण के पापा और वरुण, देखते हैं क्या होता है। मैं जीतूंगा, गेम होता है। तो हम लोग जितने भी मैचेस खेले उसमें से मैं एक भी नहीं आ रहा हूँ, मैं एक भी नहीं आ रहा हूँ एंड क्योंकि मैं खेलता इतना अच्छा हूँ, यू नो मेरे को पापा ने बचपन से बैडमिंटन बहुत सिखाया है। तेरा कैसा एक्सपीरियंस है बैडमिंटन खेलने का? मजा आ गया यार, मेरे को भी वापस बैडमिंटन सीखना पड़ेगा। अभी इसको वापस बैडमिंटन का चस्का चढ़ गया है, ये तो भाई क्रिकेटर है, दिल से क्रिकेटर ही रहेगा ये, कितना ही बैडमिंटन खेल ले। इसने मेरे को बैडमिंटन में बहुत अच्छे से हराया, 7-0 से एक बार हराया और मैंने इसको अभी 6 छक्के मारे थे एक ओवर में, तो मतलब फिटनेस हो गया। अभी कोई ना स्पोर्ट्स ढूंढते हैं। कौन सा? बास्केटबॉल, फुटबॉल? बास्केटबॉल, फुटबॉल भी बास्केटबॉल, मैं फुटबॉल तू बास्केटबॉल, ऑपोजिट होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। तू बास्केटबॉल सीख ले तब तक। हाँ मेरे को बास्केटबॉल आता है। अरे बस ना, फिर मेरे को इतना नहीं आता है। हाँ। मेरे को बेसिक आता है सर, ड्रिबलिंग वेबलिंग कर करके जड़ा सा। हाँ बस उतना ही तो है मेरे को, उतना ही शूट मार दूंगा तो भी शायद चला जाए, बस ना पॉइंट मिलता है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो भाई वरुण
मिलते हैं अभी वापस, कल हम लोग मिलने ही वाले हैं राम मंदिर में। हम लोग अयोध्या का नहीं पर हम लोग के गोरेगांव का राम मंदिर में हम लोग मिलने वाले हैं जी। राम मंदिर कहीं पे भी हो, हमें सिर्फ प्रभु श्री राम की कृपा चाहिए। ओ माय गॉड बाय बाय बाय। पर नहीं, हम लोग साथ में ट्रिप प्लान कर रहे हैं अयोध्या जी। हम लोग जाने का सोच रहे हैं, जब मौका मिले जब। बट आई गेस 3-4 महीने तक तो किधर होटल रिजर्वेशन फ्लाइट टिकट्स मिलेंगे ही नहीं। देखते हैं जैसे भी होगा, बट जब प्रभु श्री राम जाना तो है तब जाएंगे, क्योंकि जाना तो है। 22 जनवरी को नहीं तो कोई और दिन सही, बट अयोध्या जरूर जाएंगे। वाह इरशाद। तो अभी बस हम लोग निकल रहे हैं, रात को कितने बजे? 3 बजे 2:42 को हम लोग 7 बजे लोना वाला के निकले और हम लोग 2:42 को वापस भी आ गए। बहुत जल्दी है भाई। मेरे को तो ऐसा प्लान था कि इसको मैं स्टे करवा लूं। मेरा प्लान था मैं इसको स्टे करवा लूं, बट नहीं भाई अभी। पर 22 जनवरी का दिन है, हमें लोनावला में नहीं जाना चाहिए, हमें मुंबई में रह के सुबह जल्दी उठ के प्रभु श्री राम के दर्शन करने चाहिए। इसका न्यू ईयर रेजोल्यूशन कल से चालू हो रहा है, 22 जनवरी से। मेरा न्यू ईयर कब है? मेरा न्यू ईयर फॉर मी द न्यू ईयर इज टुमारो। और सब अपने घर में दिवाली मनाओ जी गाइस, दिए जलाओ। एंड मैं लिटरली अगर मेरे दादा जो मेरे मॉम डैड ने मुझे हाँ बोली तो मैं कभी वैसे भी फटाके फोड़ता नहीं हूँ। हाँ। दिवाली के दिन भी नहीं, कभी भी, मतलब जब से फ्रॉम व्हेन आई बॉर्न। तो कल मैं पहली बार फटाके फोड़ूंगा, फटाके जलाऊंगा, क्योंकि प्रभु श्री राम 500 साल के बाद है। 500 साल की लड़ाई है हमारी, 500 साल की लड़ाई है भाई। एक फटाका तो बनता है, एक फटाका, एक ही खाली। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, हम लोग ऐसे नहीं बोले पोल्यूशन करो, एक ही खाली, एक। पर जब प्रभु श्री राम वापस है तब तो गवर्नमेंट भी बोल रहा है भाई फटाके दिए जलाओ। दिवाली इसीलिए तो मनाते हैं, दिवाली इसीलिए तो मनाते हैं भाई। तो अभी एक और एक छोटी दिवाली मना लेते हैं 22 जनवरी को। अब से साल में दो दिवाली होगी। हाँ, एक होती है अपना, एक होती है हर साल की शुरुआत में और एक होती है हर साल के आखिर में। ये दो दिवाली होगी अभी हमारे लिए। तो जय श्री राम भाइयों, जय श्री राम, जय श्री राम। कीप वॉचिंग, मिलते हैं।